हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल टेक में आपका स्वागत है। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीव्यू लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। इस तरह का अमेजिंग वीडियो आप कैसे बना सकते हो काइन मास्टर के अंदर। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, देन क्रिएट न्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ये वाली साइज को आपको सिलेक्ट कर देना है। ओके दोस्तों, अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले मीडिया पे क्लिक करना है, इमेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इसको इस तरह से ड्रैग करके आपको बढ़ा लेना है। आप जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, और राइट पर क्लिक कर देना है। अब क्या करना है दोस्तों कि आपको फ्री फायर के अंदर नए मैप को ओपन करना है, उसके अंदर गेम प्ले करना है और वहाँ पे आपको एक बढ़िया सी लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पर आप इमोट के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सको। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें एडम को लेकर एक नॉर्मल ड्रेस पहनाकर उसे एक नॉर्मल वीडियो इमोट के साथ अपन रिकॉर्ड करेंगे। देन सेकेंड गेम प्ले में हम उसी जगह पर जाएंगे, सेम पोजीशन पे जाके एक नया बंडल के साथ एक बढ़िया प्रो लेवल या फिर लेजेंडरी लेवल कह सकते हो, इस तरह का बंडल पहन के आप उसी जगह पे सेम इमोट आपको दिखाना है। ओके दोस्तों, तो मैंने किस तरह से रिकॉर्ड किया है वीडियो तो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ। तो सिंपल आपको लेयर पे क्लिक करना है, देन मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को ऐड कर देना है। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये बहुत बड़ी है, मैंने सही इमोट लेने के चक्कर में इसको इतना बड़ा कर दिया, तो मैं एक सही साठ इमोट निकाल कर आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों, जिससे कि ये छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सिंपली एक ही इमोट को यहाँ पे निकाल लिया है। थोड़ा सा मैं आपको प्ले करके बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमोट जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है। ओके दोस्तों, और ये लोकेशन आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, और इस पर क्लिक करना है, इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस वाइट वाइट पर आपको टैप कर देना है जिससे कि आपकी वीडियो फुल जूम हो जाएगी। ओके दोस्तों, और आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रखूंगा और राइट पे क्लिक कर देना है। अब क्या करना दोस्तों कि आपको इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाना है, फिर से आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यही साइज सिलेक्ट करना है और फिर से आपको ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। ओके दोस्तों, और इस बार आपके आपको क्या करना है कि आप जो दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करोगे लेजेंडरी वाली, जो जिसमें आपका बंडल इमोट सब चेंज होगा, इमोट वही रहेगा, आपकी ड्रेस वगैरह चेंज होगी, तो वो आपको यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट में ओपन कर लेना है। ओके दोस्तों, तो मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और यहीं से आपको ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ खास बंडल नहीं है तो इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्मली ये वाला ले लिया है। आपके पास बहुत बढ़िया और अच्छे भी हो सकते हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, शायद इमोट भी आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया हो सकते हैं तो उसमें से आप कोई सा भी इमोट ले सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मेरी पोजीशन सेम है, सेम इमोट है, सिर्फ ड्रेस चेंज है। ओके दोस्तों, तो मैं इसको भी उसी तरह से जूम कर लेता हूँ। ओके, और इसको भी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ उसकी जैसी। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब क्या करना दोस्तों कि आपको इस पर क्लिक करना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। ओके दोस्तों, जिससे कि हमारा लुक कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, जो मैं इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। ओके दोस्तों, और इसको आपको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देना है अच्छे तरीके से, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने क्रोमा की को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया है। फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट भी इसका सही कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट दे सकते हो, सिचुएशन को भी फुल या लो कर सकते हो। ओके दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर ये सब कुछ भी नहीं करने वाला, आपको करना है तो आप कर लीजिए। ओके दोस्तों, और अब क्या करना दोस्तों कि आपको नियोन इफेक्ट को ऐड करना है। ओके दोस्तों, तो मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ, किस तरह का मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ। ओके दोस्तों, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, दो वीडियो मैंने बना दिए और इस इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो सिंपली इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और स्क्रीन सेलेक्ट कर देना है। ओके दोस्तों, राइट करना है और फिर आपको एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन फुल कर देना है। ओके दोस्तों, और इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है। इसे पे मैंने घर के लिए क्रिएट किया है, आप किसी के लिए क्रिएट कर सकते हो, आप जिसको भी हाईलाइट करना चाहते हो, अच्छा दिखाना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इजीली।
ओके दोस्तों, सिंपली सिर्फ मैंने इसी घर के लिए यहाँ पे क्रिएट किया इस इफेक्ट को, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ अच्छी तरीके से। ओके दोस्तों, और दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके बताऊँ, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ओके तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे स्नोफॉल का वीडियो ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे कर सकते हो। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी जैसे लाइटिंग वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो मैं सिंपली आपको नॉर्मली एडिट करके बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये ब्लैक बैकग्राउंड जो है इसको हम इस तरह से हटा देते हैं। ओके, नीचे का भी हम हटा देते हैं। अब क्या करना दोस्तों, इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, तो मैं फटाफट से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो जो एक्सपोर्ट हो चुका है, और आपको पहले वाले प्रोजेक्ट पर चले जाना है जो आपने फर्स्ट में क्रिएट किया था। ओके दोस्तों, इसी वाले पे। ओके, और इसी के अंदर उस वीडियो को आपको ऐड करना है। ओके दोस्तों, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक्सपोर्ट वाले वीडियो को ऐड कर दीजिए। ओके दोस्तों, सेम इसी पोजीशन पे, इसी के जैसे, तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब क्या करना दोस्तों कि आपको इसे इमोट के साथ अच्छी तरीके से मैच करके देखना है। ओके, तो मैं इसको आगे से इस तरह से ट्रिम कर देता हूँ पहले। ओके, मेरा जो इमोट चल रहा है सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? ओके दोस्तों, वैसे सही चल रहा है, बिल्कुल सही। ओके, तो दोस्तों हम इसको एनिमेशन देंगे, उससे पहले आप अपने सॉन्ग को ऐड कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा आपको किस जगह एनिमेशन देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे क्या आपको अच्छी तरीके से मैच करना है। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सॉन्ग को ऐड कर दिया है, और अब आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इन एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है। ओके दोस्तों, और यहाँ से आपको वाइप राइट दे देना है, और इसकी पोजीशन, ये स्पीड जो है बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल फुल कर देना है। इस तरह करोगे तो स्पीड बढ़ेगी इसकी इस तरह से, और फुल कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से धीरे धीरे चलेगा। ओके दोस्तों, और राइट पे क्लिक कर देना है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। ओके, और अब मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे वीडियो का लुक जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और दोस्तों हमारे वीडियो जो है कितनी अमेजिंग लग रही है। ओके दोस्तों, और इस वाले एक्स्ट्रा पार्ट को भी हम कट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, आपको भी कर देना है। ओके दोस्तों, और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी और एडिटिंग करते हैं। जैसे हमारी बीट चल रही दोस्तों, उस जगह हम लाइट का इफेक्ट डालेंगे। ओके दोस्तों, तो लाइट का इफेक्ट कैसे ऐड करोगे, पहले मैं बीट चेक कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, दोस्तों आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करके आपको वाइड बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। ओके दोस्तों, और नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसको ओवरलाय सिलेक्ट कर देना है। ओके दोस्तों, और अब मैं थोड़ा सा प्ले करके बताऊँ, ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा हल्का सा लाइट का। ओके दोस्तों, तो मैं सभी जगह ऐड कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पॉइंट कर रखा है, ये इस तरह से 2-3 जगह पॉइंट कर रखा है। ओके दोस्तों, और साथ में मैं लेयर पे क्लिक करके, इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक ब्लिंक इफेक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ये रहा ब्लिंकिंग लाइट्स, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, इस वाले आइकन पे क्लिक करके या गेट मोर पे क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगा। इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी अपन कर सकते हैं स्लो या ज़्यादा, जिससे हमारा बीट के साथ ये अच्छी तरीके से वर्क करे। ओके दोस्तों, बैक आ जाना है, और यहाँ पे इसकी सेटिंग दे रखी है, यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा सा अब प्ले करके बताऊँ आपको। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो इफेक्ट है कुछ इस तरीके से लगेगा। ओके दोस्तों, तो आप इस तरह से इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, और अपनी वीडियो को और भी अमेजिंग बना सकते हो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।